हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्मार्ट वीडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे कि लिख रखा है मैंने लेखपाल की जॉब प्रोफाइल। तो कैसी है लेखपाल की जॉब प्रोफाइल, तो इसी पे ये वीडियो बनाया है मैंने। तो आप लोग अपनी अच्छी से तैयारी करते रहिए क्योंकि आपका लेखपाल का एग्जाम, मैं बता दूं, जून माह में लगभग 99% कंफर्म है कि आपका जून में एग्जाम हो जाएगा। तो चलिए आप अपनी तैयारी करते रहिए। तो मैं एक वीडियो लेके आया हूँ लेखपाल की जॉब कैसी है। उससे पहले मैं बता दूं 2016 में मेरा भी लेखपाल में सिलेक्शन हुआ था और मैं लेखपाल की जॉब इस समय कर भी रहा हूँ। तो ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कह दूं कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक में लास्ट में जाके लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। देखिए क्या है लेखपाल की जॉब की ट्रेनिंग। देखिए जब आपका लेखपाल का सब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। ठीक है, तो आपको एक जिला अलॉट किया जाएगा, जिला के बाद आपको एक तहसील अलॉट की जाएगी। जब आप तहसील में जाएंगे तो वहां आपको, जब वहां पे आप ज्वाइन कर लेंगे तभी से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी और आपको एक साल ट्रेनिंग में रहना होता है। तो ट्रेनिंग में क्या होगा, ट्रेनिंग में एक तो आपको फील्ड खेत की कैसे पैमाइस करते हैं, ठीक है, क्योंकि लेखपाल का मेन काम ही क्या होता है, पैमाइस करना होता है। तो भूमि के विवाद निपटाना होता है, मतलब पैमाइस करके ही तो भूमि का विवाद निपटाएंगे, तो पैमाइस करते हैं। तो हम लोग को ट्रेनिंग में पैमाइस करना सिखाया जाता है ना, पैमाइस करना सिखाया जाता है। और क्या होता है ट्रेनिंग में, राजस्व संहिता, राजस्व संहिता पढ़ाई जाती और भूलेख नियमावली, भूलेख नियमावली और जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी विनाश अनुमूलन, ये सब आपको ट्रेनिंग में पढ़ाया जाएगा। मैथ भी आपकी जो है, मैथ भी आपकी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, ये तो आपका ट्रेनिंग का प्रोसीजर हो गया। ट्रेनिंग आपकी अब कहाँ होगी, आप बहुत छात्र आप सोच रहे होंगे, तो ये आपकी ट्रेनिंग आपकी जिले की आपकी तहसील में ही होगी। क्योंकि जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो लगभग हर जिले में जब छात्र जाएंगे तो एक जगह ट्रेनिंग कराना मुश्किल है, तो उसी जिले के उस तहसील में ही सभी की ट्रेनिंग कराई गई थी। क्योंकि जब हम लोग की ज्वाइनिंग हुई थी तो उस समय लेखपालों की संख्या बहुत कम थी और काम एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो हम लोगों को साथ साथ में काम में भी हम लोगों को लगना पड़ता था ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग काम को निपटा सकें। तो प्लस हम लोग की ट्रेनिंग भी चल रही थी और हम लोग थोड़ा सा काम को भी देख रहे थे। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं सैलरी पे। तो सैलरी क्या बनती है, देखिए ये तो आप लोग जानते हैं क्योंकि लेखपाल की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपका 2000 ग्रेड पे बनता है। तो जो हम लोग, मेरी जो स्टार्टिंग की सैलरी थी वो लगभग 1900 से 19000 से स्टार्टिंग हुई थी और वर्तमान में इसमें मेरी सैलरी जो है वो आपकी 35000 है, 35135 है। ठीक है, पूरा मैं लिख देता हूँ, 35135 बन रही है। और जो आप जब इसमें जो भी छात्र आप ज्वाइन करेंगे तो उनकी सैलरी बनेगी, आप मैट्रिक्स में जाके जो सेवेंथ पे का है तो उसके हिसाब से अपना आप सैलरी की गणना कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं एक्स्ट्रा पैसा। एक्स्ट्रा पैसे से कोई आप गलत चीज ना निकालिएगा, एक्स्ट्रा पैसे का मतलब ये है कि आप इसमें जो है आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जब आप बनाएंगे तो प्रति प्रमाण पत्र के हिसाब से आपको 5 रुपए सरकार की तरफ से आपको दिए जाते हैं। और क्या दिया जाता है, डाटा चार्ज दिया जाता है, मोबाइल का डाटा रिचार्ज के लिए दिया जाता है। तो ठीक है, ये तो आपका एक्स्ट्रा पैसा हो गया। उसके बाद आते हैं ये जॉब कैसी है। तो आपकी जॉब क्या कहते हैं, जैसे कि आप जान ही रहे ये एक फील्ड वाली जॉब है, तो इसमें आपको हफ्ते में 2 दिन तो तहसील में आना पड़ता है, वो आपका मंगल हो जाएगा और शनिवार हो जाएगा। अब फ्राइडे को नहीं बुलाया जाता है, अब मंगल और शनिवार को 2 दिन बुलाया जाता है, जिसमें से हफ्ते के 2 शनिवार जो होंगे वो आपके तहसील में होंगे, और 2 आपके
जो आपके संबंधित थाना होगा वहां पे आपको जाना होगा विवाद निपटाने। देखिए लेखपाल का जो मूल काम तो भूमि से संबंधित विवाद को निपटाना ही है, पर अब बहुत ज्यादा ये काम जो योजनाएं आज सरकार दे रही है तो हम लोगों को वो भी करना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों का जो अधिकारी होता है वो राजस्व विभाग में डीएम का जो जिले का मुख्य अधिकारी होता है उससे ही होता है, तो सारे काम हम लोगों को ही करने पड़ते हैं। तो बहुत अच्छा जॉब प्रोफाइल होती है। अगर आप लोगों की जो ग्रामीण लोग हैं उनकी आप मदद करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी जॉब है, आप उनको मदद कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या करें, देखिए अगर आप गांव में आग लग जाती है ना, गांव में आग लग जाएगी तो इसकी भी सूचना आपको सबसे पहले देनी होगी। किसी का जानवर मर जाता है, जो भैंस हो गई, गाय हो गई, कोई भी घटना घटती है तो इसकी सूचना जो है लेखपाल के द्वारा ही दी जाती है, वो भी 24 घंटे के अंदर। ठीक है, जो भी सहायता होती है वो आपके काम होता है रिपोर्ट देना होता है, तो लेखपाल रिपोर्ट देता है, जो भी सरकार होती है वो बजट के हिसाब से आवंटन करके लाभार्थी को लाभ देती है। फिर आता है कि गर्ल्स के लिए जॉब कैसी है। ठीक है, तो गर्ल्स के लिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये आप तो जानते हैं ग्रामीण परिवेश से संबंधित ये जॉब है, तो अब आपको थोड़ा सा ग्रामीण लोगों से संपर्क करके अपनी जो आपके जो भी सूचनाएं आपके विभाग द्वारा मांगी जाएंगी वो आपको देनी होती है। बस लड़कियों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि बस आने जाने के लिए अगर वो स्कूटी का प्रबंध अच्छे से कर पाती हैं, तो क्योंकि गांव में जाने के लिए आपको अपना ही साधन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और क्योंकि सर्किल आपके अलग अलग होंगे, क्योंकि एक गांव आप यहाँ होगा दूसरे गांव में होगा, तो आपको इस गांव से उस गांव जाने के लिए महिलाओं के लिए तो यही है कि स्कूटी बाइक से चले जाते हैं, बाइक से इस गांव से उस गांव, तो लड़कियों के लिए बाकी कोई समस्या विशेष नहीं होती, कि गांव के लोग बहुत ही सपोर्टिव होते हैं, वो लगभग हर चीज आपकी समझेंगे और आपको हर चीज में आपके काम में आपकी मदद करते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं और इसमें क्या मिलता है, तो मैं आपको बता दूं लेखपाल में आप अगर जब आप हो जाएंगे तो आपको एक लैपटॉप भी मिलेगा और आपको फोन भी मिलेगा, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये है जो सैमसंग का फोन होता है J2 का, ये आपको मिलेगा, और ये है आपका लैपटॉप, ये लैपटॉप है, ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो जो गैजेट्स हैं वो भी मैंने बता दिए हैं आपको। तो कुल मिला के ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं, और आपकी अगर कोई क्वेरीज है तो भी कमेंट्स करें, और फिर मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चाहते हैं कि इससे संबंधित मैं एक पूरा ब्रॉड वीडियो बनाऊं, तो हर चीज मैं बताऊं, ट्रेनिंग के बारे में मैं बताऊं, तो प्लीज क्या कहते हैं कमेंट्स में जाके जरूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप नीचे से तैयारी करते रहें। धन्यवाद।